हाय दोस्तों, मैं लवकुश सर मोहम्मद जहानाबाद। साइंस ऑफ टेंस पढ़ाई हो रहा था। आज साइंस ऑफ टेंस का तीन भाग बताए थे। तीनों भाग का चार चार भाग है, आज उसको हम बता रहे हैं। पहले से लिख दिया गया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो है चार ठो भाग होता है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कहते हैं प्रेजेंट समान वर्तमान काल, हिंदी अर्थ जो उसका होता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। हिंदी अर्थ इसलिए लिख दिया गया है कि जानकारी के लिए कोई पूछ सकता है, इसलिए हिंदी अर्थ लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए लिख दिया गया है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो है चार ठो भाग होता है। एक एक करके हम लोग जो है स्ट्रक्चर की सहायता से जो है ट्रांसलेशन के रूप में जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी प्रकार जो है पास्ट टेंस का भी है। पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ भूतकाल, इसका भी जो है चार ठो भाग होता है। पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, या इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है समान भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, या इसी को कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण भूतकाल या तत्कालिक भूतकाल। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्णापूर्ण भूतकाल या पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस का हिंदी अर्थ भविष्यकाल। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है समान भविष्य काल। ठीक इसी प्रकार दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, या इसे कहते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण भविष्य काल या तत्कालिक भविष्य काल। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण भविष्य काल या पूर्ण तत्कालिक काल। यानी काइंड्स ऑफ टेंस पहले बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का चार्ट होता है, पास्ट टेंस का चार्ट होता है, फ्यूचर टेंस का चार्ट होता है। यानी कि चार चार बेटा जो है सबका होता है। प्रेजेंट टेंस का चार बेटा, पास्ट टेंस का चार बेटा और फ्यूचर टेंस का चार बेटा। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस और डबल भार भी पढ़ेंगे और डबल सेंटेंस भी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए और इतना ही लिखिए। ओके।